हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल माला सिंपल रेसिपीज एंड बेकिंग तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज मोमोज़ की रेसिपी जिसे आप अपने घर पर बहुत ही अच्छे से मार्केट स्टाइल में फोल्ड करके बना सकते हैं जैसे उसकी कैसे प्लेट्स बनाई जाती है तो वो बहुत लोगों से नहीं बनती है तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि अलग अलग टाइप से आप कैसे उसे फ़ोल्ड कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसे मैंने दो तरीके से बताया है तो रेसिपी को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी लिया है लगभग आधा ग्लास पानी मैंने आटे को गूँथने के लिए यूज़ किया है बिल्कुल हमें रोटी के जैसा ही आटा गूथना है ज़्यादा हार्ड नहीं करना है ना ज़्यादा आपको सॉफ्ट करना है वरना प्लीट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा मैंने रेडी कर लिया है और इसे पाँच मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तब तक हम स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो चलिए आटे को साइड में रख देते हैं यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और हरी प्याज को कट कर लिया है गाजर को मैंने कद्दूकस किया है पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरी धनिया है और हरी मिर्ची है सिर्फ एक हरी मिर्च हम डालेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करती हूँ उसके साथ हम मिर्ची को भी डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे हम गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखें हाई फ्लेम में आपको सब्जियों को नहीं भूनना है अब गाजर और, और पत्ता गोभी को भी हम ऐड करके साथ में भून लेते हैं सब्जियों को सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करना है ओवर कुक आपको नहीं करना है चलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए अब ये मैं यहाँ पनीर को भी क्रश करके डाल रही हूँ यानी कि कद्दूकस कर लेती हूँ जिससे उसका टेस्ट और अच्छा आएगा अगर आपको पनीर ऐड नहीं करना है तो आप सादा सब्जियों का भी फिलिंग कर सकते हैं मोमोज के अंदर वो भी बहुत अच्छा लगता है अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चलिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है तो अब धनिया डाल के हम गैस को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं

कि आपकी पूरी बिल्कुल पतली होनी चाहिए तो मैं पतली थी पूरी बेल लूँगी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया है स्टफिंग के लिए उसे भी हम स्टफिंग में डालेंगे तो एक चम्मच से ज़्यादा आप फीलिंग ना लें एक चम्मच बहुत हो जाता है थोड़ा सा हम चीज़ डाल देंगे और यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ फोल्ड करना वो सबसे इजी फोल्ड है मोमोज़ का ये देखिए आपको सिंपल गुजिया के शेप में उसे फो, आधा फोल्ड करना है और एक साइड से ये देखिए मैंने यहाँ से चिपका दिया है और दूसरे साइड से आपको उसी साइड में फोल्ड आ, प्लीट्स बनानी है और जो आगे की प्लीट्स है उसे आपको खुला ही रखना है ये देखिए उसे आपको नहीं चिपकाना है बस उसे आप पैक कर दीजिए तो ये देखिए इतने सुंदर सी हमारी जो प्लीट्स है वो बनकर रेडी हो गई और बहुत ही सिंपल है इसे कोई भी बना सकता है तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं बहुत ही आसान थी फोल्ड है इसे आप बहुत ही आसानी से फोल्ड करके बना सकते हैं तो मैंने आपको कई तरह के प्लीट्स बनाना बताया है इस वीडियो में तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा जो सब्सक्राइब के बाजू में होता है घंटी तो उसे ज़रूर से दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे हर वीडियोस की आती रहेगी तो ये देखिए हमारा दूसरा भी मोमोज बनकर रेडी हो गया है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं चलिए नेक्स्ट बनाते हैं तो ये जो प्लेट्स है बहुत ही इजी है मगर इसे बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है वरना उसका शेप अच्छा नहीं आता है तो इसे हमें एक साइड से ही दबा कर रखना है और आगे से हमें प्लेट्स उसी में ऐड करते जाना है आपको उसे छोड़ना नहीं आप देख सकते हैं कि मैंने एक अंगूठे से उसे दबा कर रखा है बस नई प्लेट्स को उसमें ऐड करते जा रही हूँ और गोला गोला मैं घुमाते जा रही हूँ तो ये देखिए हमारा ये छोटा सा पोटली बनकर रेडी हो गया है मोमो का ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है तो एक बार हम और ट्राई करेंगे बहुत ही सिंपल है आप इसे भी बना सकते हैं ये देखिए बस आपको प्लीट्स उसमें ही ऐड करते जाननी है और आपको अंगूठे के पास जो प्लीट्स है उस अगर चिपक रहा है तो हमने थोड़ा सा आटा लगाया हाथ पे क्योंकि प्लीट्स थोड़ी सी चिपक रही है हाथ पे आपको पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना है तो ये देखिए हमारा दूसरा मोमो भी वनगन रेडी हो गया है तो ये भी बहुत अच्छी प्लीट्स है फोल्ड है चलिए अभी दूसरा हम फोल्ड बनाना स्टार्ट है, करते हैं इसे दोनों तरफ से आपको प्लीट्स लेनी है और उसमें चिपकाते जाना है ये देखिए इस साइड से लेंगे इस साइड से लेंगे और चिपकाते जाना है तो ये देखिए ये भी बहुत ही आसान से प्लीट्स हैं जिसे आप बना सकते हैं तो चलिए अगली मोमो की फ़ोल्ड बनाते हैं हम दूसरे डिज़ाइन में तो इसे हम गुजिया के शेप में चिपका देंगे ये देखिए मैंने गुजिया की तरह पूरा इसे चिपकाया है ये देखिए पानी लगाना नहीं आपको बस ऐसे ही वो चिपक जाता है तो ये देखिए बीच से थोड़ा सा हमें इसे प्रेस करना है और ये दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के जोड़ देना है ये देखिए हमारा सिंपल सा मोमोज का जो शेप है वो बनकर रेडी हो गया है ये भी बहुत ही आसान सी फोल्ड है जिसे आप बना सकते हैं चलिए नेक्स्ट बना लेते हैं इसे भी हम गुजिया की तरह चिपका देंगे और बीच बीच मैंने इससे प्लेट्स डाली हुई है ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम हम प्लीट्स डाल देंगे बीच बीच में और सेम पहले वाले की तरह ही हम इसमें भी फोल्ड लगाएंगे ये देखिए कॉर्नर्स को पकड़ना है आपको और इसे जोड़ देना है ये देखिए और अच्छे से आपको टाइट से इसे चिपकाना है वरना वो खुल सकता है तो ये देखिए अच्छे से चिपका दीजिए आप तो फ्रेंड अगर आप फ्राई कर रहे हैं, फ्राई मोमोज बना रहे हैं तो ही आप पानी लगा के चिपकाएं क्योंकि वो फ्राई करते समय प्लीट्स जो है वो खुल सकती हैं और अगर स्टीम कर रहे हैं आप तो उसमें पानी की ज़रूरत आपको नहीं है तो ये देखिए ये प्लेट भी मैंने जो आपको पहले सिखाई थी वैसे ही आप प्लीट्स बनाना है इसमें भी ये मोमोज भी वैसा ही प्लीट्स है ये देखिए हमारे जो मोमोज़ की फोल्डिंग है ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं अलग अलग डिज़ाइन में मैंने आपको मोमोज़ बताया जो भी आपको आसान सी डिज़ाइन लगे तो आप उसे बना सकते हैं मोमोज़ और स्टफ़िंग आप अपने पसंद के हिसाब से उसमें फ़िल कर सकते हैं जो भी आपको फिलिंग भरनी है चलिए स्टीम करना स्टार्ट कर देते हैं मैंने एक गिलास पानी डाला है स्टीम करने के लिए मोमोज़ को और 10 से 15 मिनट आप स्टीम करिए क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग ऑलरेडी पका कर डाली है फिलिंग तो उसमें हम सिर्फ मोमोज़ के जो ये मैदे का कवर है उसे ही हमें स्टीम करना है और अगर आप अंदर कच्ची सब्जियों की स्टफिंग कर रहे हैं तो आप 20 से 25 मिनट ज़रूर करिए ताकि अच्छे से अंदर सब्जियां भी पक जाएंगी और अच्छे से मोमोज़ भी पक जाएगा तो ये देखिए हमारा मोमोज़ जो है वो स्टीम होकर रेडी हो गया है ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म है तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ बिल्कुल गर्मा गर्म आप मोमोज़ स्टीम करिए और चटनी के साथ खाइए बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मा गर्म मोमोज तो सारे मोमोज़ को हम निकाल लेंगे और जो हमारा दूसरा बैच है उसको भी मैं स्टीम कर लेती हूँ ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी स्टीम हो चुका है तो मैं सारे मोमोज़ को निकाल देती हूँ बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स तो आप सिंपल मोमोज में ऐसे भी स्टीम करके बस खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है किसी भी चटनी के साथ तो चलिए अब हम दूसरे तरीके से मोमोज़ को बनाएंगे इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और यहाँ पे किसा हुआ लहसुन अदरक मैंने डाला है सब्ज़ियाँ मैंने जो हम स्टफ़िंग में हमने सब्जियाँ डाले थी वही सब्ज़ियाँ हम यूज़ करेंगे बस मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करके सब्जियाँ डाली हैं शिमला मिर्च हरी प्याज गाजर पत्ता गोभी सारी सब्ज़ियों को हम अच्छे से पका लेंगे हल्का ही हमें भूनना है ज़्यादा ओवर कुक करना नहीं है यहाँ पे मैंने मंचूरियन का मसाला लिया है इससे ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपको ये आ, मसाला नहीं डालना है तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर को घोल कर ग्रेवी में डाल सकते हैं उससे भी जो है ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और सॉस सोया सॉस विनेगर वगैरह आप उसमें अलग से ऐड कर दीजिए तो मैंने यहाँ पर चिली सॉस डाला है कैचअप को भी डाल देंगे हम थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए हम केचप टमाटो कैचअप डालेंगे और अब मैं ये मसाले का जो आ, पाउडर मैंने घोला था उस घोल को भी डालकर हम अच्छे से गाढ़ा होने देंगे तो ये देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल गाढ़ी हो गई है जो चिंग्स का मसाला है उसका बहुत अच्छा टेस्ट लगता है फ्रेंड्स तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा मंचूरियन के लिए भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं तो अब हम मोमोज़ को ऐड कर देते हैं ग्रेवी में तो सारे मोमोज़ को ये देखिए हम उससे मसाले में अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार घर पर आपको बहुत पसंद आएगी थोड़ा सा हम बस ड्राई होने देंगे हमारी ग्रेवी को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तिल के दाने डाले हैं यानी कि शीशम सीड्स डाले हैं उससे जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आएगा और तिल के दाने खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं तो चलिए हमारा मोमो जो है वो ग्रेवी वाला रेडी हो चुका है तो ये देखिए हमारा ग्रेवी मोमो भी रेडी हो गया है तो आ, ये आज मैं ट्राई करने वाली हूँ मैं हमेशा स्टीम मोमोज बनाती हूँ मैंने आज ये सब डिफ़रेंट स्टाइल में बनाया है तो बहुत ही टेस्टी था उसका टेस्ट तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा तो so फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी मोमोज की तो आप इसको दो तरीके से बनाकर खा सकते हैं जैसे भी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही आपको नई नई रेसिपी देखने को मिलेंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आपको मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं सिंपल रेसिपीज़ के नाम से और इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं सिंपल रेसिपीज़ के नाम से वहाँ पे भी मैं केक से जुड़ी हुई रेसिपीज डालती रहती हूँ तो थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय